प्यारे बच्चों नमस्कार, स्कूल मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। और पिछले लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोगों ने बायनोमियल एक्सपेंशन थ्योरम में एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट किया था, और आज के इस लेक्चर में हम 8.2 एक्सरसाइज के ऊपर बात करेंगे। लेकिन 8.2 एक्सरसाइज पे जाने से पहले हम लोग उन टर्म्स और उन बेसिक्स के विषय में बात कर लेते हैं जिनकी मदद से हमें 8.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। स्टूडेंट्स, तो बेसिकली आइए हम लोगों को करना क्या है इसमें वो समझते हैं। हमें यहाँ पर दो टॉपिक्स को समझना है। नंबर वन, कि किसी भी बायनोमियल एक्सपेंशन में जो आरथ टर्म होता है, इंग्लिश में उसको कहते हैं जनरल टर्म और हिंदी में कहते हैं सामान्य पद, हो सकता है कुछ और नाम हो, लेकिन जनरल टर्म या इसको आप आरथ टर्म भी कह सकते हैं, ठीक है ना। एंड मिडिल टर्म, यानी कि एक्सपेंशन जब हम करेंगे तो जो मध्य पद होगा वो क्या होगा। और साथ ही हम लोग इन दोनों के अलावा ये समझेंगे कि अगर किसी बायनोमियल एक्सपेंशन को हम कर रहे हैं तो कौन से पद में एक्स की कोई खास पावर एग्जिस्ट करेगी या होगी नहीं होगी, इस तरह के प्रश्नों का भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेक्चर में। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आर प्लस वन वा या आरथ टर्म क्या होता है बेसिकली। तो आइए यहाँ पे शुरुआत करते हैं। आपको याद होगा बच्चों कि जब हमने a प्लस बी का एक्सपेंशन किया था, यानी a प्लस बी रेस्ट टू द पावर n का बायनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन किया था, तो वो एक्सपेंशन आया था एन सी जीरो ए एन बी रेस्ट टू द पावर जीरो प्लस एन सी वन ए रेस्ट टू द पावर n माइनस वन बी वन एन सी टू ए रेस्ट टू द पावर एन माइनस टू बी स्क्वायर एंड सो ऑन। और यहाँ पर जो टर्म था वो था एन सी आर एंड इट इज ए रेस्ट टू द पावर एन माइनस आर एंड बी रेस्ट टू द पावर आर एंड सो ऑन एन सी एन ए रेस्ट टू द पावर जीरो एंड बी रेस्ट टू द पावर एन। सो दिस इज द बायनोमियल एक्सपेंशन। सो दिस इज द बायनोमियल एक्सपेंशन। इस एक्सपेंशन को जरा ध्यान से देखिए बच्चों, इस एक्सपेंशन में ये जो n है राइट, इस n के कारण कुल मिला के इस पूरे के पूरे एक्सपेंशन में n प्लस वन टर्म्स हैं। ये हमने पहले दिन भी समझा था, यानी कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि n प्लस वन टर्म्स ठीक इसमें है, यानी कि n प्लस वन पद हैं। n प्लस वन पदों का मतलब ये है कि जैसे कि आप a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो कितने पद आते हैं उसमें, a प्लस बी के होल स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना, कितने पद आए, तीन पद आए, यानी कि एक ज्यादा आया। तो उसी तरह यहां पर अगर n है तो ये कुल मिला के एन प्लस वन पद होंगे, है ना। देखो जरा एन सी वन से लेके एन सी एन तक गया तो ये n हो गए, और ये एन सी जीरो मिलाकर एक एन प्लस वन वा पद हो गया। अब इसमें ये जो होता है, ये होता है पहला पद, ये होता है दूसरा पद। ध्यान दीजिएगा कि पहले पद में एन सी जीरो आता है, दूसरे पद में एन सी वन आता है, तीसरे पद में एन सी टू आता है, और चौथे पद में एन सी थ्री आएगा। और उस तरह ये जो आर आ रहा है तो वास्तव में ये जो पद है ये आरवा पद नहीं है, एक ज्यादा, यानी कि ये है आर प्लस वनवा पद। कौन सा पद? आर प्लस वनवा पद। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास में n कुछ भी हो, a प्लस बी कुछ भी हो, तो बायनोमियल थ्योरम की मदद से जो एक्सपेंशन किया जाता है उसमें जो टी आर प्लस वन यानी कि आर प्लस वन वा पद जो होता है, टी आर प्लस वन टर्म जो होता है, उसका फॉर्मूला बनेगा एन सी आर ए रेस टू द पावर एन माइनस आर एंड बी रेस टू द पावर आर। आई रिपीट स्टूडेंट्स, वेयर एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर, ठीक है, और इक्वल इक्वल हो सकता है लेकिन छोटा नहीं हो सकता है ये हमेशा। तो स्टूडेंट्स ये है टी आर प्लस वन वे पद का फॉर्मूला, आप इसको अपने दिमाग में रखिएगा बिकॉज ये हमारे बहुत काम का है। ओके राइट, अब जैसे मान लीजिए कि आपको वो दे दे कि यहां पर मान लीजिए लिखा हुआ है एक्स माइनस थ्री रेस्ट टू द पावर एट, और वो आपसे कहे कि इसका आर प्लस वन वा पद ज्ञात करिए,
तो आर प्लस वन वा पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि आपका ए और बी क्या है। तो यहाँ पर आपका जो ए है वो है एक्स, जो बी है वो है माइनस थ्री, और जो एन है वो है एट, और आपको उसने बोला है आर प्लस वन वा, यानी कि सामान्य जनरल टर्म फाइंड करिए। तो आप आर प्लस वन वा पद जो फाइंड करेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू एन सी आर ए रेस टू द पावर एन माइनस आर एंड बी रेस टू द पावर आर। तो यहां पर बच्चों एन की जगह पर आप लिखेंगे एट सी आर, एट सी आर, देन ए, ए की वैल्यू है एक्स, तो एक्स रेस टू द पावर एन माइनस आर इंटू बी, बी की वैल्यू है माइनस थ्री, तो माइनस थ्री रेस टू द पावर आर। तो ये आ गया बच्चों जनरल टर्म, और इस जनरल टर्म की मदद से आप टी वन व टी टू टा टी टू टी थ्री टी फोर पद फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर हम कहें कि भैया टी वन यानी कि पहला पद क्या होगा, तो टी वन का मतलब है टी जीरो प्लस वन, तो वास्तव में हमने आर की जगह पर जीरो लिया है, तो टी जीरो प्लस वन यानी कि टी वन वा पद जो होगा वो बराबर होगा एट सी जीरो एक्स टू दी पावर एट माइनस जीरो एंड माइनस थ्री रेस टू दी पावर जीरो, यानी एट सी जीरो तो वन हो गया और ये हो गया एक्स टू दी पावर एट। तो ये पहला पद है। नाउ दूसरा पद अगर हमें निकालना पड़ जाए तो टी टू, टी टू को हम लोग लिखेंगे टी वन प्लस वन। अब कंपेरिजन कर लेंगे यहाँ पे, तो आर का काम कौन कर रहा है, वन कर रहा है, तो आर की जगह पर वन यानी कि एट सी वन एक्स टू दी पावर एट माइनस वन और माइनस थ्री रेस टू दी पावर वन। तो ये आ जाएगा एट, एट सी वन का मतलब एट, एक्स टू दी पावर सेवन और माइनस थ्री, तो ये हो जाएगा माइनस चौबीस, आठ या चौबीस और एक्स टू दी पावर सेवन स्क्वायर्स। तो ये हो जाएगा द्वितीय पद यानी आर प्लस टू वा पद, सॉरी आर प्लस वन वा यानी कि वन प्लस वन सेकेंड टर्म हो जाएगा ये, ठीक। अब इसी तरह अगर आपको थर्ड निकालना पड़े तो आप यहाँ पे लिखेंगे टी टू प्लस वन, वन हमेशा रहेगा और जो भी उसके साथ रहेगा वो आर का काम करेगा, तो टी टू प्लस वन यानी कि थर्ड टर्म बराबर होगा एट सी टू एक्स टू दी पावर एट माइनस टू एंड माइनस थ्री रेस टू दी पावर टू। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास में इट्स एट सी टू मतलब एट इंटू सेवन अपॉन टू इंटू वन और एक्स टू दी पावर सिक्स और माइनस थ्री रेस टू दी पावर टू का मतलब है नाइन प्लस नाइन। ओके, ये टू से आप इसे कैंसिल कर दीजिए तो ये फोर टाइम, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों कितना, ये हो जाएगा आपका सेवन फोर जो ट्वेंटी एट और ट्वेंटी एट इंटू नाइन, तो ट्वेंटी एट इंटू नाइन ये हो जाएगा आई थिंक टू एट्टी, टू एट्टी माइनस ट्वेंटी एट तो इट्स आई थिंक इट्स टू फिफ्टी टू, सिक्सटी सेवेंटी एट्टी, तो इट्स अ 260 नॉट 60 इट्स अ 252 एक्स रेस टू द पावर 6। तो दिस इज द थर्ड टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म, दिस इज द फर्स्ट टर्म। तो आप इसी तरह से इसके किसी भी नंबर का टर्म निकाल सकते हैं, फिर वो पांचवा हो चाहे छठवा हो चाहे सातवा हो। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिस भी नंबर का पद निकाला जाना है उससे एक कम होगी आर की वैल्यू जो कि फॉर्मूले में फिट की जाएगी। तो मेरे हिसाब से बच्चों किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में हम आरएथ टर्म कैसे निकालते हैं और उसकी मदद से फिर दूसरा तीसरा चौथा यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव फिफ्थ सिक्स टर्म कैसे निकालते हैं, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं कि जब हम बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं तो उसमें मध्य पद कैसे निकाला जाता है, मध्य पद का मतलब मिडिल टर्म जो बीच में होगा। जैसे कि इस a प्लस बी होल स्क्वायर के एक्सपेंशन में ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो बीच का टर्म कौन सा है, बीच का टर्म है 2ab, मध्य पद, ठीक है ना। तो किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में बीच का टर्म कैसे निकाला जाता है, उसका क्या प्रोसीजर होता है, क्या रूल होता है, हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, आइए देखते हैं। नाउ बच्चों अब हम लोग बात करेंगे कि बाइनोमियल एक्सपेंशन में मिडिल टर्म कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना, मिडिल टर्म, राइट। तो मिडिल टर्म निकालने के लिए हमें क्या करना है, क्या ध्यान देना है, इस बात को ध्यान से सुनिए बच्चों। हमने अभी अभी समझा कि जब हम एक्सपेंशन करते हैं तो जो भी n की वैल्यू होती है उससे एक ज्यादा पद हमें मिलते हैं एक्सपेंशन में। तो अब जरा ध्यान दीजिए, अगर एक्सपेंशन में
जो नंबर ऑफ टर्म्स है यानी पदों की संख्या है, अगर वो विषम है, विषम मतलब तीन है, पांच है, सात है, नौ है, तो ऐसी स्थिति में बीच का पद आसानी से निकाला जा सकता है और वो कोई एक ही होगा। जैसे कि अगर तीन पद हैं तो आपको बीच में एक पद मिलेगा, पांच होंगे तो दो इधर, दो इधर, बीच में एक मिलेगा, सात होंगे तो तीन इधर, बीच में एक मिलेगा। यानी कि अगर यहाँ पर a प्लस बी रेस्ट टू दी पावर टू था तो तीन पद मिल रहे थे, यहाँ पर क्या कहते हैं फोर होता तो पांच पद मिलते, सिक्स होता तो सात पद मिलते। यानी कि जब n की वैल्यू इवन होगी यानी कि एक सम संख्या होगी तो जो मध्य पद होगा वो बहुत आसानी से निकाला जा सकेगा, यानी कि एक ही मध्य पद मिलेगा हमें। ठीक, तो मध्य पद निकालने के लिए बच्चों हमारे पास में बेसिकली दो फॉर्मूले काम करेंगे यहाँ पर, कौन कौन से। नंबर एक, व्हेन एन इज इवन, यानी कि जब एन जो हो वो एक सम संख्या हो, सम संख्या जब होगी, व्हेन एन इज इवन देन एक्सपेंशन हैव n plus 1 that is odd number of terms, यानी कि उसमें जो number of terms होंगे उनकी संख्या odd होगी। तो ऐसी स्थिति में जो middle term होगा बच्चों वो आपको इस formula से निकाला जाएगा। middle term, middle term होगा, middle term is equals to, it is equals to n plus 1 upon 2th term, right? यानी कि जो भी n की वैल्यू होगी, ठीक है ना, आप उसमें, सॉरी मैं यहां पर कुछ गलत कर दिया हूं, आपका ये फॉर्मूला ऐसे बनेगा, इट इज n by 2 plus 1, right? दिस वन, यानी कि जो भी n की वैल्यू होगी, n अगर सम संख्या है तो उसमें दो का भाग दीजिए, जो भी आए उसमें एक और जोड़ दीजिए, तो वो आपका क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाए कि आप x माइनस टू वाई रेस्ट टू दी पावर 8 इसका मिडिल टर्म निकालिए, तो मिडिल टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म हो जाएगा 8 बाय 2 प्लस 1 यानी कि 8 बाय 2 यानी कि 4 प्लस 1 यानी कि फिफ्थ टर्म। तो जो फिफ्थ टर्म होगा वो इसका मिडिल टर्म होगा। और अब फिफ्थ टर्म कैसे निकालेंगे, फिफ्थ टर्म निकालेंगे इससे, क्योंकि हमें फिफ्थ टर्म निकालना है तो हम लिखेंगे यहाँ पे t5, हम t5 को फिर लिख सकते हैं t4 प्लस 1। तो अब t4 प्लस 1 में यहाँ पर हमें r की वैल्यू मिल गई, राइट, और r की वैल्यू मिल गई 8, n बराबर n 8 दिया हुआ है, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा 8c4 x रेस टू दी पावर 8 माइनस 4 एंड माइनस 2y रेस टू दी पावर 4। तो दिस इज द मिडिल टर्म इन दिस एक्सपेंशन, सिंपल, इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, राइट। तो n की वैल्यू सम होने पर एक ही मध्य पद मिलेगा, एक ही मिडिल टर्म मिलेगा। लेकिन केस नंबर टू, लेकिन अगर n की वैल्यू n इज व्हेन n इज ऑड, ओके, यानी कि एक विषम संख्या हो, एक हो, तीन हो, पांच हो, आठ हो, तो ऐसी स्थिति में जो नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगे एक्सपेंशन में, पदों की जो संख्या मिलेगी प्रसार में, वो सम संख्या होगी, यानी पदों की संख्या सम होगी। जैसे n की वैल्यू यहाँ पर तीन हो तो हमें चार पद मिलेंगे, n की वैल्यू पांच हो तो हमें छह पद मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में फिर मध्य पदों की जो संख्या होगी वो दो होगी, यानी कि दो मध्य पद होंगे। वेरी सिंपल सी बात है ना यार, कि अगर मान लीजिए आपके पास में ये चार, ये क्या कहते हैं, छह पद हैं, ये सपोज दैट चार पद हैं, तो अब मध्य पद के लिए ये दोनों मध्य पद होंगे। आपके पास अगर छह पद हैं तो छह पद अगर हैं तो दो इधर छोड़ दीजिए, दो इधर छोड़ दीजिए, तो ये दोनों मध्य पद होंगे। यानी हमेशा दो मध्य पद मिलेंगे अगर प्रसार में सम संख्या आ जाए। लेकिन ऐसा कब होगा, जब n की वैल्यू ऑड होगी, यानी n ऑड होगा तब, ठीक है। तो जब n की वैल्यू ऑड होगी तो जो मिडिल टर्म्स होंगे वो मिडिल टर्म दो होंगे। मिडिल टर्म्स पहला होगा n बाय, सॉरी, पहला होगा n प्लस 1 बाय 2th टर्म और दूसरा होगा एंड दूसरा होगा बच्चों n प्लस 2 बाय 2th टर्म,
राइट right? ओके okay, यहाँ पर n ऑड था तो यहाँ पर फिर होगा n प्लस टू, तो n प्लस टू नहीं बच्चों, यहाँ पर होना चाहिए फिर n प्लस थ्री, राइट n प्लस थ्री टर्म, ठीक है राइट right? तो ये होगा हमारे पास में फॉर्मूला। अब जरा ध्यान दीजिए कि इसकी मदद से ये हमें जो नंबर ऑफ मिडिल टर्म्स हैं या मिडिल टर्म की जो वैल्यू है वो कैसे निकालना है। मान लीजिए कि आप एक एक्सपेंशन कर रहे हैं, सपोज दैट यू हैव अ एक्सपेंशन, आप एक्सपेंशन कर रहे हैं मान लीजिए कि x प्लस वन अपॉन वाई रेस्ट टू द पावर, आपके पास में यहाँ सेवन है, ठीक ये ऑड है, n की वैल्यू ऑड है, तो ये ऑड होने से जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो इवन होंगे, यानी कुल मिला के नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, सेवन प्लस वन यानी कि आठ होंगे। अब जो मिडिल टर्म्स आपके पास में आएंगे, तो जो मिडिल टर्म्स आएंगे यानी कि जो मध्य पद आएंगे वो आएंगे कैसे आएंगे, पहला होगा सेवन प्लस वन अपॉन टू टर्म यानी कि फोर्थ टर्म, ये पहला होगा, और दूसरा होगा सेवन प्लस थ्री अपॉन टू यानी कि फिफ्थ टर्म, दिस इज द फिफ्थ टर्म, बिकॉज आप चाहो तो प्रैक्टिकली चेक भी कर सकते हो। अब फिफ्थ टर्म और फोर्थ टर्म तो आप ये सारे फॉर्मूले से निकाल लोगे, आर की वैल्यू यहाँ थ्री होगी और यहाँ पर आर की वैल्यू फोर होगी, सिंपल एज दैट, ये निकल जाएगा आसानी से। और प्रैक्टिकली इसको चेक करना हो कि भैया हम सही हैं कि नहीं है, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। कुल मिला के आपके पास आठ पद हैं, तो आठ पद अगर हो गए आपके पास तो फिर तीन इधर छोड़िए, तीन इधर छोड़िए, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा, तो चौथा और पांचवा जो है मिडिल टर्म है, बाकी दोनों तरफ तीन तीन पद हैं हमारे, तो देखिए चौथा और पांचवा हम लोगों ने भी चेक किया यहाँ पर कि चौथा और पांचवा मिडिल टर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपको ये समझाने का प्रयास किया कि बाइनोमियल एक्सपेंशन में हम मध्य पद निकालते कैसे। तो मध्य पद निकालने के लिए ये डिपेंड करता है कि जो n है, जो घात है, ये वाली पावर जो है वो पावर क्या है, इवन नंबर है, सम संख्या है, या फिर ऑड नंबर है, विषम संख्या है, इसके अनुसार आपको मध्य पदों की संख्या निकालनी होगी। अगर n की वैल्यू इवन होगी, ओके n की वैल्यू इवन होगी तो एक ही मध्य पद निकलेगा, जो कि फॉर्मूला कौन सा होगा, n by 2 plus 1 term। ध्यान देना, पहले n में 2 का भाग देना है, फिर एक जोड़ना है, ठीक है, गलती मत करिएगा, इसका ध्यान रखिएगा। और अगर n की वैल्यू विषम है तो जो मिडिल टर्म है वो दो निकलेंगे, यानी कि दो मध्य पद निकाले जाएंगे, एक होगा n प्लस वन अपॉन टू टर्म और एक होगा n प्लस थ्री अपॉन टू टर्म, है ना। ये चीज कहीं कहीं अलग अलग मिल सकती है, तो उससे बिल्कुल परेशान मत होइएगा, है ना। मेन है कि सही चीज निकलनी चाहिए, है ना, लॉजिक सही होना चाहिए। मैंने इस तरह से लिखा, कई बार इसको लोग अलग अलग तरीकों से लिख सकते हैं, एक्सप्रेस करने का वो एक तरीका है। तो इस चीज को दिमाग में बिठाइएगा कि n की वैल्यू ऑड या इवन होगी, घात इवन या ऑड होगी, उसके अनुसार मिडिल टर्म्स की संख्या कितनी होगी ये डिसाइड होगा। इसको लेक्चर को फिर से एक बार सुन लीजिएगा, इस चीज को अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा, फिर एक्सरसाइज पे जाइएगा, एग्जाम्पल जरूर करिएगा, है ना, एग्जाम्पल हमेशा जरूर करिएगा हर एक्सरसाइज के पहले, जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं आपके एनसीईआरटी की बुक में, दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, उससे आपको चीजों को समझने में भी मदद मिलेगी। अब मैं आता हूँ डायरेक्ट एक्सरसाइज पे बच्चों, राइट। नाउ स्टूडेंट्स मूव टू द एक्सरसाइज 8.2। इसमें ज्यादा प्रश्न नहीं है हमारे पास, कुल मिला के 12 प्रश्न हैं, और यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन एक जैसे हैं और थर्ड और फोर्थ एक जैसा है। तो फर्स्ट और सेकंड में हमसे पूछा है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इन x प्लस 3 टू द पावर 8 एंड a टू द पावर 5 b रेस टू द पावर 7 इन a माइनस 2 b रेस टू द पावर 12। मतलब कि अगर इसका बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन किया जाए तो कौन से नंबर के पद में x की पावर 5 आएगा, वो ये पूछना चाह रहा है। और उसी तरह इसमें ये पूछना चाह रहा है कि a माइनस 2b की पावर 12 का अगर एक्सपेंशन किया जाएगा तो उसमें कौन से नंबर के पद में a टू द पावर 5 और b टू द पावर 7 आएगा।
ये हम पहले निकालेंगे यानी r की वैल्यू, और फिर r की वैल्यू जब निकल जाएगी तो जो भी इनके साथ में कोफिशियंट होगा, कोफिशियंट मतलब गुणांक, इनके साथ में क्या है ये हम लोग निकाल लेंगे आसानी से। मतलब बेसिकली जो क्वेश्चन है वो गुणांक यानी कोफिशियंट निकालना है, लेकिन उसके लिए ये जरूरी होगा पहले हम ये पता लगा पाए कि ये कौन से नंबर पर आने वाला है ये कोफिशियंट, ठीक, तो उससे अपना काम हो जाएगा। ठीक, इन दोनों में से बच्चों में एक क्वेश्चन करके बताऊंगा, बाकी दूसरा आप लोग करेंगे, ठीक है ना। मैं आता हूं बच्चों पहले प्रथम प्रश्न पर। तो इट्स वेरी इजी, जब हम लोग इस तरह के प्रश्नों को करेंगे तो हम लोग मान लेंगे कि लेट x टू द पावर 5 कंटेन इन r प्लस 1 टर्म, यानी कि हमने मान लिया कि ये r प्लस 1 वे पद में है x की पावर 5। तो फिर ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास में जो फॉर्मूला बनेगा पहले टी आर प्लस 1 वा, तो वो होगा एन सी आर ए टू द पावर n माइनस r एंड b टू द पावर r। तो हियर यानी कि यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू है 6, r तो r ही रहेगा, सॉरी n की वैल्यू है 8, r ही रहेगा, ठीक है ना। एंड देन इसके बाद में a की जो वैल्यू है वो है x और जो b की वैल्यू है वो है 3। आपको मेनली a, b और n की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है कि वो क्या है। देन टी आर प्लस 1 वापस इज इक्वल्स टू, हमें मिल जाएगा एन सी आर की वैल्यू की जगह हम लिखेंगे 8 सी आर, यहाँ पर लिखेंगे ए की जगह पर बच्चों x, तो x की पावर n माइनस आर यानी कि 8 माइनस आर और b यानी कि 3 रेस टू दी पावर r, ठीक है ना। अब उसने हमसे ये कहा था कि भैया x की पावर कितनी होनी चाहिए, 5 होना चाहिए, ठीक है ना। तो x की पावर 5 के लिए जरा देखो कि यहां पर कितना होना चाहिए, फिर x की पावर 5 कब आएगा, जब r की वैल्यू कितनी हो जाए, 3 हो जाए, ठीक है ना। सो दिस इंप्लाइज दैट फॉर x टू द पावर 5 वी हैव 8 माइनस आर इज इक्वल टू 5, तो ये जब सॉल्व करेंगे आप तो r की वैल्यू आ जाएगी 3। मतलब कि r की वैल्यू जब 3 होगी तब वहां पर x की पावर 5 आएगा, ठीक है ना। तो यहां से आप ऐसा कह सकते हैं कि t r की वैल्यू आप यहां रखिए 3 प्लस 1 यानी कि t 4, सो दिस इज इक्वल टू 8c3, राइट, 8c3 x टू द पावर 5 और यहां पर हो जाएगा 3 रेस टू द पावर 3। तो 8c3 को आप 8, 7, 6 और यहां पर 3, 2, 1 और ये हो गया x की पावर 5 और ये हो गया 3 रेस टू द पावर 3, मतलब कि 27। ये 6 से 6 कैंसिल कर दीजिए तो जो कोफिशियंट है वो आपके पास में आ जाएगा। सो देयरफॉर कोफिशियंट of x to the power 5 is equals to 8 into 7 into 27। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आपके पास में आंसर आ जाएगा। ये आपके लिए छोड़ दिया मैंने काम, मेनली आपको समझाना का उद्देश्य था कि आप लॉजिक समझें कि हमसे कहा क्या है और करना कैसे। हमें नहीं पता था भैया कि x की पावर 5 कौन से नंबर के पद में आएगा, हमने मान लिया कि r प्लस 1 में पद में आएगा वो, फिर हमने r प्लस 1 में पद का फॉर्मूला लगाया, उसमें सारी वैल्यूज रख दी, फिर हमने लॉजिकली ये सोचा कि भैया अगर मुझे यहाँ पर x की पावर 5 लानी है तो मैं कैसे लाऊं, तो उसके लिए भैया 8 माइनस r की वैल्यू 5 होना चाहिए फिर, ओके। तो जैसे हमने किया तो r की वैल्यू आ गई, और जैसे r की वैल्यू आई हमने वापस इसमें रख दिया, तो x की पावर 5 को छोड़कर जो भी बचा वो x की पावर 5 का कोफिशियंट यानी कि गुणांक होगा, और वही हमारा आंसर है जो हमसे उसने पूछा था, राइट। जो द्वितीय प्रश्न है उसको मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, जो द्वितीय प्रश्न है, द्वितीय प्रश्न में भी आप यही लॉजिक अपनाएंगे, ठीक है ना। यहां पर n की वैल्यू है 12 यानी कि 12 सी आर, यहां पर a की वैल्यू है x स्क्वायर, तो x रेस्ट टू दी पावर यानी x स्क्वायर रेस्ट टू दी पावर 12 माइनस आर, बी केयरफुल क्योंकि यहां पर a की वैल्यू x स्क्वायर में है, और माइनस वाई एक्स रेस्ट टू दी पावर आर,
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि वो जो x है वो दोनों में है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान से काम करना पड़ेगा। ये बाकी ये चीज लिख लीजिएगा ताकि दिक्कत ना जाए, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ बस आपको। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 12 CR। ओके, गलती हमसे ये हो गई है कि बेसिकली ये था a और b की वैल्यू और हमें क्वेश्चन ये था, हमने यहाँ पर मिस्टेकली लिख लिया है। तो 12 तो सही था बच्चों, 12 CR, बाकी यहाँ पर x स्क्वायर की जगह पर आएगा a और माइनस y x की जगह पर आएगा -2b। ठीक है बच्चों, तो माइनस ये अपन ने सही कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, तो a रेस टू द पावर 12, ठीक है ना, ये a रेस टू द पावर 12 माइनस आर, ये माइनस टू, बी रेस टू द पावर आर, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस टू रेस टू द पावर आर और बी रेस टू द पावर आर। और अब आपको दिख रहा है कि a की पावर है 12 माइनस आर और b की पावर है r, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें a की पावर 5 और b की पावर 7 चाहिए। तो आपको दिख ही रहा है कि यहाँ पर b की पावर 7 कब आ सकता है, जब r की वैल्यू 7 हो। लेकिन r की वैल्यू 7 ही होगी, इसको क्रॉस चेक कर लेंगे हम a की पावर के साथ में, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर a टू द पावर 5 एंड b टू द पावर 7 वी हैव r is equals to 7। तो उसके लिए r की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, 7। और क्रॉस चेक कर लेते हैं कि भाई जब हम 12 माइनस r को 5 रखेंगे तो r is equals to आएगा 7, यानी यहां से भी क्रॉस चेक हो रहा है, क्योंकि भाई a की पावर 5 होना चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू 5 होना चाहिए, और ये तो 7 दिख गया हमको डायरेक्ट, इसकी वैल्यू 7 के लिए, सॉरी 5 के लिए, इसको 5 लिख दिया तब भी r 7 आ रहा है और यहां से भी r 7 आ रहा है, यानी दोनों कंडीशन हमारी संतुष्ट हो रही है, यानी r की वैल्यू 7 ही है। तो जैसे ही r की वैल्यू आ जाएगी आप यहाँ पर लिख देंगे, तो t7+1 यानी कि t8 यानी आठवां नंबर का जो पद है उसमें आपको a की पावर 5 और b की पावर 7 मिलने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, दिस इज इक्वल्स टू 12 C7, क्योंकि r की वैल्यू 7 है, और a टू द पावर 5 यहाँ पर a टू द पावर 5 एंड माइनस टू रेस टू द पावर 7 और b रेस टू द पावर 7। तो a रेस टू द पावर 5 और b रेस टू द पावर 7 आ गया, इसका कोफिशियंट क्या है, तो कोफिशियंट बन जाएगा इसका, आप देख लीजिए आप इसके साथ में क्या क्या है, तो ये आएगा 12 C7 और माइनस टू रेस टू द पावर 7। तो दिस इज योर आंसर। अब इसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी आपकी है, बिकॉज 12 C7 को आप लिखेंगे कुछ इस तरह से, 12 C7 को आप लिख सकते हैं 12 C5। फॉर्मूला आपको याद होगा एक कि NCR बराबर होता है NCN-R, तो उससे आप इसको ऐसे लिख लेंगे, फिर 12, 11, 10, 9, 7, not 7, 8 ऐसे लिखेंगे, और फिर 5, 4, 3, 2, 1 बाकी कैंसिल कर देंगे, जो आंसर आएगा उसमें -2 रेस टू द पावर 7 आई थिंक -128 होगा, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो ये आपका काम है और आंसर शीट से क्रॉस चेक कर लीजिए, मेन है प्रोसेस को समझना, ठीक। तो आई होप कि ये दो क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे कि हमें किसी एक्सपेंशन में किसी खास टर्म का कोफिशियंट कैसे निकालना है, ये आपके समझ में आना चाहिए। अब सिंपल जो अगला क्वेश्चन है उसमें हमसे थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में जनरल टर्म कहा है, यानी कि r प्लस वन टर्म कहा है, इसको तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले में लिख देंगे और लिख देंगे, दैट्स द जनरल टर्म, इट्स वेरी इजी एंड लॉलीपॉप क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ देखिए, इसमें हमें जनरल टर्म निकालना है। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला आपके पास, आपको पता है कि इट्स ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, जनरल टर्म हमारे पास में होता है, आप यहाँ पर सिंपली लिख देंगे जनरल टर्म, राइट। तो टी आर प्लस वन इज इक्वल्स टू होता है NCR, a रेस टू द पावर n माइनस आर एंड b रेस टू द पावर r, दिस इज ए जनरल टर्म। और इस जनरल टर्म में जब आप सारी वैल्यूज रखेंगे, तो यहाँ पर n की वैल्यू है 6, ठीक है, a की वैल्यू है x स्क्वायर और b की वैल्यू है -y, तो सारी वैल्यूज रख दीजिए बच्चों, तो इट्स 6 CR a रेस टू द पावर, यानी a की जगह पर आप लिखेंगे x स्क्वायर रेस टू द पावर n माइनस, सॉरी n नॉट
n की जगह आएगा 6 माइनस r एंड b की जगह पर आएगा माइनस y रेस्ट टू द पावर r, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो 6cr x स्क्वायर, आपको पता है कि पावर अगर इस तरह से हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है पावर का, तो ये बन जाएगा x, ये 2 का मल्टीप्लाई करो दोनों में, तो x की पावर 12 माइनस 2r, राइट, x की पावर 12 माइनस 2r एंड ये माइनस है और ये y, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 1 रेस्ट टू द पावर r एंड y रेस्ट टू द पावर r, ठीक है ना। अब क्योंकि ये r की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये साइन इसका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, सो दिस इज योर r प्लस 1th टर्म यानी कि जनरल टर्म, खत्म क्वेश्चन, सिंपल एज दैट। अब आप इसको आगे लिखें चाहे यहीं पे लिखे रहने, कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। नाउ नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में जब आप r प्लस 1 बार टर्म निकालेंगे तो r प्लस 1 बार टर्म के लिए फिर a और b आइडेंटिफाई करिए। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में n बराबर तो 12 है, a बराबर है x स्क्वायर और b बराबर है माइनस yx, ठीक है ना। तो जब आप इसमें r प्लस 1 वा टर्म यानी जनरल टर्म निकालेंगे तो इट्स अ 12cr एंड x स्क्वायर रेस्ट टू द पावर n माइनस r, n की जगह पर हम लोग लिखेंगे 12, ठीक, एंड माइनस yx रेस्ट टू द पावर r। अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई करना पड़ेगा क्योंकि सेकंड टर्म में y और x दोनों है, तो दिस इज इक्वल्स टू 12cr और फिर यहाँ पे x स्क्वायर में इस 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा, तो x रेस्ट टू द पावर 24 माइनस 2r, ठीक है, और माइनस है ये और रेस्ट टू द पावर r है, तो माइनस 1 रेस्ट टू द पावर r लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए y रेस्ट टू द पावर r और इसे लिख दीजिए x रेस्ट टू द पावर r, दोनों को, ठीक है ना, अलग अलग। अब ये x की पावर और ये x की पावर दोनों ऐड होंगे क्योंकि ये r है, सॉरी बेस दोनों के सेम है क्योंकि आधार सेम है, तो 12cr में कोई परिवर्तन नहीं, x की पावर 24 माइनस 2r और ये प्लस r, ये माइनस 1 रेस्ट टू द पावर r एज इट इज और y रेस्ट टू द पावर r एज इट इज, माइनस 2r में से एक r जाएगा तो आपको मिल जाएगा 12cr और x की पावर हो जाएगी 24 माइनस r, राइट, एंड माइनस 1 रेस्ट टू द पावर r और y रेस्ट टू द पावर r, तो दिस इज योर tr प्लस वन टर्म, ये हो जाएगा आपका जनरल टर्म, ओके। तो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 4। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने जनरल टर्म निकालना भी सीखा। आपको लॉजिक समझना है क्योंकि पेपर में क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आर टर्म यानी कि जनरल टर्म सामान्य पद निकालते कैसे, ठीक है। अब आइए जरा आगे के प्रश्नों में जाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें x माइनस वाई, 5 में हमें x माइनस 2y रेस्ट टू द पावर 12 दिया हुआ है और इसमें हमसे उसने कहा है कि फोर्थ टर्म फाइंड करिए, फोर्थ टर्म। तो बच्चों फोर्थ टर्म फाइंड करने का मतलब यह है कि t4 इज इक्वल टू t3 प्लस 1, तो बेसिकली आपको r यहां पर आइडेंटिफाई करना था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो r की वैल्यू 3 होगी अगर आप चौथा पद निकालना चाहते हैं और बाकी सब तो आप आइडेंटिफाई कर लो, n क्या है 12 है, c3, a क्या है x रेस्ट टू द पावर 12 माइनस r और b क्या है माइनस 2y रेस्ट टू द पावर r। अब इसके बाद में r की जगह पर 3 लिखना है बेसिकली, तो r की जगह पर 3 और ये r की जगह पर 3, तो इसके आगे अब आप इसको आसानी से सिंपलीफाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा यानी कि इसमें फोर्थ टर्म आ जाएगा, तो दिस इज इक्वल्स टू 12c3 मतलब 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये x रेस टू द पावर 9 हो जाएगा बच्चों और माइनस 2 रेस टू द पावर 3 यानी कि माइनस 8 इंटू y क्यूब हो जाएगा, ठीक, ये 6 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से 2 टाइम्स और आपके पास में आ जाएगा बच्चों कितना, ये 110, 220, तो 220 मल्टीप्लाई बाय माइनस 8 इंटू x की पावर 9 और y की पावर 3, सो दिस इज इक्वल्स टू, इसका 8 में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो आई थिंक ये हो जाना चाहिए आपके पास में 66 और 110, 176, तो इट्स अ 1760, ओके 1760 x की पावर 9 और y रेस्ट टू द पावर 3 और साइन आई थिंक आएगा माइनस में,
आप बाकी इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा. ओके, हो सकता है जल्दबाजी में ये गलती हो जाए, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है इट इज करेक्ट, राइट. तो दिस इज द फोर्थ टर्म ऑफ द एक्सपेंशन. इसी तरह से बच्चों जो क्वेश्चन नंबर सिक्स है, क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमें 13वां पद निकालना है. क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमें 13th टर्म निकालना है, 13th टर्म. और इस 13th, इस सिक्स क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 9x माइनस 1/√3x, है ना. ओके, 3√x है, 3√x. इट्स अ 3√x रेस्ट टू द पावर 18, और x नॉट इक्वल्स टू 0 बिकॉज यहाँ पर रखेंगे तो ये इन्फाइनाइट हो जाएगा, इसलिए x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती. तो बच्चों 13वां पद निकालना है, तो 13वां पद अगर निकालना है t13, तो मतलब t12 प्लस 1 लिखना पड़ेगा, यानी r की वैल्यू 12 हो गई है. तो इट मीन्स दैट कि 18c12 एंड 9x रेस्ट टू द पावर 18 माइनस 12 एंड माइनस 1/√x रेस्ट टू द पावर 12. सिंपल सॉल्व कर दीजिए अब इसको, सिंपल, कुछ भी ज्यादा दम नहीं है इन क्वेश्चंस में. तो जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो ये 18c12 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, ये तो तुम लोग कर लेना है ना, थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है तो तुम लोगों का मेमोरी थोड़ा तेज होता है तो तुम अच्छे से कर लोगे, ठीक है. बाकी ये 9 रेस्ट टू द पावर 6 हो जाएगा, तो ये 9 रेस्ट टू द पावर 6 भी आपका काम है निकालने का, काटा पीटी आप लोग कर लेना अच्छे से. ये एक्स टू द पावर 6 हो गया, ये माइनस 12 है तो ये प्लस बन जाएगा, 1/√3 रेस्ट टू द पावर 12, और x की पावर रूट x है 12 है तो ये आ जाएगा बच्चों डिवाइड बाय 1/x रेस्ट टू द पावर 6, है ना, क्योंकि रूट है तो आधी हो जाएगी पावर, ठीक है. अब इन तीन चीजों को आप लोग सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, 2 और 3, बाकी ये दोनों पावर तो ओके एक जैसी पावर आ गई है, ये 6 और ये 6 कट गया, तो आपके पास में आ जाएगा कितना, 18c12 और 9 रेस्ट टू द पावर 6, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये भी कैंसिल हो जाएगा बिकॉज 12, हाँ ये पूरा का पूरा कैंसिल हो रहा है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, बस आपका केवल यही आंसर है. तो इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो यही आपका आंसर हो जाएगा, बिकॉज 3 रेस्ट टू द पावर 12 को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 3 रेस्ट टू द पावर 2 और ये 6, तो ये हो जाएगा 9 रेस्ट टू द पावर 6, तो ये दोनों एक जैसे बन जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है. तो ये अब आपका काम है आगे इसको सिंप्लीफाई करना. तो ये 6th क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ. अब जो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें हमने हमसे उसने मिडिल टर्म पूछा है कि मिडिल टर्म फाइंड करिए, तो आपको बस समझना है, यूं हो जाएगा क्वेश्चन. आइए देखते हैं. नाउ लुक स्टूडेंट्स, ये दो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और 8, इसमें हमें मिडिल टर्म फाइंड करना है, यानी मध्य पद फाइंड करना है. और मध्य पद फाइंड करने के लिए आपको इसे ध्यान से देखना है, ये पावर को, ठीक है ना. यहाँ पर ऑड है, यहाँ पर इवन है, मतलब जब इसका एक्सपेंशन हम करेंगे तो कुल मिला के जो पद बनेंगे उनकी संख्या होगी 8. यानी जब 8 टोटल पद हैं, 8 टर्म्स हैं, तो एक मिडिल टर्म तो हो नहीं सकता है, फिर 2 मिडिल टर्म्स होंगे, ठीक. तो हमें वो 2 मिडिल टर्म्स निकालने हैं फिर बेसिकली, ठीक है ना. एंड सिमिलरली बच्चों, यहाँ पर 10 है नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे, 11 होंगे, तो एक ही मिडिल टर्म होगा, और वो फॉर्मूला भी आपको पता है, ठीक है. तो यहाँ पर बारी बारी इसमें दोनों के लिए मिडिल टर्म्स निकालता हूँ बच्चों. तो जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हेयर n इज इक्वल टू 7, यानी कि ऑड, सो मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म्स, मिडिल टर्म्स कौन कौन से होंगे बच्चों, मिडिल टर्म्स होंगे, एक होगा बच्चों 7+1/2, और एंड 7+3/2 टर्म, ठीक है ना. ये दो टर्म्स होंगे मिडिल टर्म्स बेसिकली, यानी कि कौन कौन सा होगा, 7+1 8/2, यानी कि 4th एंड 5th टर्म. तो बच्चों हमें 4th और 5th पद निकालना है, यही मध्य पद होंगे. अब मैं पूरा नहीं करूंगा, ये आपके लिए छोड़ दूंगा. तो देखिए बच्चों, नाउ t4, तो t4 का मतलब है t3+1, यानी r आ गया, r की वैल्यू 3 है. अब यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में n की वैल्यू 7 है, तो 7c3
एंड ए की वैल्यू है 3, यानी कि 3 रेस्ट टू द पावर 7 माइनस 3, और बी की वैल्यू है माइनस एक्स स्क्वायर बाय 6, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर बाय 6 रेस्ट टू द पावर 3, सिंपल, यानी कि आर। अब आप इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। और अगर आप इसको सिंपलीफाई करें तो 7c3, 3 रेस्ट टू द पावर कितना, ये 4, ये माइनस एक्स स्क्वायर बाय 6 और ये है पावर 3, यानी आंसर तो माइनस में ही आने वाला है, क्योंकि पूरे की पावर 3 है और माइनस है तो माइनस आ जाएगा। x की पावर एक्स स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 3 यानी x रेस्ट टू द पावर 6 और ये हो जाएगा 3 रेस्ट टू द पावर 3। अब काटा पीटी कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। फिफ्थ टर्म भी बिल्कुल इसी तरह निकालोगे, यानी कि t5 इज इक्वल्स टू t4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7c4 एंड 3 रेस्ट टू द पावर 7 माइनस 4 एंड माइनस एक्स स्क्वायर बाय 6 रेस्ट टू द पावर 4, सिंपल। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 7c4 एंड x 3 रेस्ट टू द पावर 3 एंड x माइनस है तो ये पावर क्योंकि इवन है तो इट्स x रेस्ट टू द पावर 8 अपॉन 6 रेस्ट टू द पावर 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, जो भी काटा पिटी करनी हो वो आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि n की वैल्यू ऑड होने पर दो मध्य पद निकले, ठीक है, कौन सा, फोर्थ और फिफ्थ। फॉर्मूला कैसे बनाया ये भी आपको पता है, दिमाग में रखिएगा। अब यहां पर देखते हैं तो यहां पर बहुत आसान है। इस वाले में क्योंकि n इज इक्वल टू कितना दिया है, 10, एक इवन नंबर दिया है, राइट, इट्स अ इवन नंबर, तो जो मिडिल टर्म है वो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, वो मिडिल टर्म हो जाएगा आपका 10 बाय 2 प्लस 1 टर्म, राइट। तो दिस इज इक्वल्स टू 5 प्लस 1 टर्म, यानी कि 6 टर्म, राइट, यानी कि जो छठवां पद है, कुल मिला के 11 पद होंगे, पांच इधर बीच में छठवें नंबर का जो पद होगा वो मिडिल टर्म होगा, मध्य पद होगा। तो 6 यानी t6 इज इक्वल्स टू आएगा t5 प्लस 1, यानी r की वैल्यू 5 है, तो इट्स अ 10c5 x by 3, a की वैल्यू है x by 3 रेस्ट टू द पावर 10 माइनस 5 और b की वैल्यू है 9y, तो 9y रेस्ट टू द पावर 5, बच्चों, है ना, बाकी प्लस था इसलिए प्लस ही रहेगा, अगर माइनस में होता तो माइनस 9y आता, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू 10c5 एंड x by 3 एंड x रेस्ट टू द पावर 5 एंड 3 रेस्ट टू द पावर 5 इनटू 9y रेस्ट टू द पावर 5, सो दिस इज योर आंसर। बाकी 9 रेस्ट टू द पावर 5 अलग कर दीजिएगा, y रेस्ट टू द पावर 5 अगर कुछ कैंसिल हो रहा हो तो उसको कैंसिल आउट कर लीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। दैट्स ऑल इन द क्वेश्चन नंबर 8। ज्यादातर कैलकुलेशन पार्ट आपको करना है, ये आपकी मेमोरी शार्प करेगा, ठीक है ना। नाउ स्टूडेंट्स वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, उसको देखते हैं। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे ये कहता है कि इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस ए रेस्ट टू द पावर एम प्लस एन प्रूव दैट द कोफिशियंट ऑफ ए टू द पावर एम एंड ए टू द पावर एन आर इक्वल। यानी कि जब हम इस क्वेश्चन में 1 प्लस ए रेस्ट टू द पावर एम प्लस एन का एक्सपेंशन करेंगे तो वो हमसे ये कह रहा है कि ए टू द पावर एन यानी कि कोफिशियंट, राइट, कोफिशियंट ऑफ ए टू द पावर एम और कोफिशियंट ऑफ ए टू द पावर एन बराबर होंगे, यानी कि हमें दोनों के कोफिशियंट देखना है, ए टू द पावर एम का भी और ए टू द पावर एन का भी, और ये दोनों कोफिशियंट्स इक्वल होंगे ये हमें प्रूव करना है। तो इट्स वेरी सिंपल, हम लोग मान लेते हैं कि ए टू द पावर एम और ए टू द पावर एन जो भी मिलने वाला है वो हमें किसी आर प्लस वन टर्म में मिलने वाला है, यानी कि पहले हम जनरल टर्म निकालते हैं। तो द जनरल टर्म, तो जनरल टर्म निकालेंगे तो जनरल टर्म हमें मिलेगा टी आर प्लस वन इज इक्वल्स टू एन सी आर ए रेस्ट टू द पावर एन माइनस आर एंड बी रेस्ट टू द पावर आर एंड एन की जगह पर हम लिखेंगे एम प्लस एन सी आर ए टू द पावर एम प्लस एन माइनस आर एंड बी रेस्ट टू द पावर, सॉरी यहां पर आई थिंक एक ही जगह पर वन है तो ये तो हो जाएगा वन और ए
ए टू द पावर आर आ जाएगा बच्चों यहां पर, राइट, सिंपल एज दैट। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा कि यहां पर वी हैव एम प्लस एन सी आर एंड ये तो वन हो गया एंड ए रेस टू द पावर आर। अब कोफिशियंट कोफिशियंट ऑफ ए टू द पावर एम, अब कोफिशियंट ऑफ ए टू द पावर एम के लिए क्या होना पड़ेगा बच्चों, यहां आर की जगह पर एम होगा, ठीक है ना, यानी कि कोफिशियंट फॉर ऑफ ए टू द पावर एम होगा एम प्लस एन सी बाई एम, तो आर मतलब एम लिखना पड़ेगा तो यहां पर एम कर दीजिए है ना, बिकॉज यहां पर आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम हो जाएगी। और उसी तरह से कोफिशियंट कोफिशियंट ऑफ ए टू द पावर एन इज इक्वल्स टू एम प्लस एन सी एन, यानी कि यहां पर r की वैल्यू n हो जाएगी। और अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि a m प्लस n c m प्लस n माइनस n लिखा जा सकता है इसे, वो तो प्रॉपर्टी आपको याद होगी कि n c r बराबर n c n माइनस r। तो इस प्रॉपर्टी का यूज अगर हम यहां पर करेंगे तो यहां पर फिर ये एन से एन कट जाएगा और यहां पर आ जाएगा एम प्लस एन सी एम। और वास्तव में ये क्या है, दिस इज द कोफिशियंट ऑफ ए टू द पावर एम। तो यहां पर फिर ए टू द पावर एन और ए टू द पावर एम के कोफिशियंट बराबर हो गए, यही हमें प्रूफ करना था, कोफिशियंट ऑफ ए टू द पावर एम, राइट, यही हमें प्रूफ करना था। सिंपल, वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना है, बस जनरल टर्म निकालना है, ए टू द पावर एन और ए टू द पावर एम के लिए कोफिशियंट देख लेना है और किसी एक में ये प्रॉपर्टी लगा देनी है तो दूसरा अपने आप आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, दैट्स ऑल, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 हमसे ये कह रहा है द कोफिशियंट ऑफ द आर माइनस वन आरथ एंड आर प्लस वन टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस वन रेस टू द पावर एन आर इन रेशियो 1:3:5। यानी कि तीन पद हैं r माइनस वन, आर और r प्लस वन पद, इन पदों के जो कोफिशियंट हैं यानी कि जो गुणांक हैं उनका जो अनुपात है वो 1:3:5 है, किसमें, x प्लस वन की पावर n में। तो जरा ध्यान देना बच्चों कि अगर मैं आपसे कहूं कि द r प्लस वन टर्म इन x प्लस वन रेस टू दी पावर n, तो आप कहेंगे इट इज टी आर प्लस वन इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज इक्वल्स टू एन सी आर x रेस टू दी पावर n माइनस r, सिंपल एज दैट। ये r प्लस वन वा पद होगा, लेकिन अगर हमें कौन सा पद निकालना पड़े, लेकिन हमें स्टूडेंट्स भाई ये तो r प्लस वन वा पद हो गया, अब r वा पद अगर हमें निकालना पड़ेगा तो सिंपल हमको इसको पहले ऐसे लिखना पड़ेगा टी आर माइनस वन प्लस वन, तो आर का काम करेगा आर माइनस वन, तो दिस इज इक्वल्स टू एन सी आर माइनस वन, राइट, एन सी आर माइनस वन एंड एक्स रेस टू द पावर एन माइनस आर माइनस वन, जिसको आप लिख सकते हैं सिंपली एन सी आर माइनस वन एक्स रेस टू दी पावर एन माइनस आर प्लस वन। एंड सिमिलरली जब आप टी आर माइनस वन वा पद निकालेंगे तो पहले इसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा भाई, तभी तो ये दोनों आपस में बैलेंस होंगे क्योंकि हमें तो प्लस वन बनाना ही है। तो अब आर का काम कर रहा है आर माइनस टू, तो दिस इज इक्वल्स टू एन सी आर माइनस टू एंड एक्स रेस टू दी पावर एन माइनस आर प्लस टू बन जाएगा ये, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, उसने हमसे ये कहा था कि इन तीनों पदों के जो कोफिशियंट हैं वो, यानी किस किस के कोफिशियंट, नाउ गिवन कोफिशियंट, कोफिशियंट किस किस के, कोफिशियंट ऑफ टी आर, टी आर माइनस वन रेशो टी आर, रेशो टी आर प्लस वन is equals to 1:3:5, मतलब इनके coefficients का अनुपात ये है। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो coefficient basically होते क्या हैं, तो coefficient में x वाला पद नहीं आता है, उसमें ये होता है coefficient, this is the coefficient, this is the coefficient and this is the coefficient,
राइट तो अब उसने हमसे ये कह रखा है ओके ओके तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इंप्लाइज दैट कि जब आप टी आर माइनस वन और टी आर वे पद का के जो कोफिशियंट्स हैं यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं नाउ कोफिशियंट ठीक है ना दिस इज कोफिशियंट ऑफ दिस वन इज इक्वल्स टू 1:3 यानी आर माइनस वन वे पद और आर वे पद के कोफिशियंट्स का रेशो 1:3 है तो इसका मतलब ये हुआ कि वास्तव में वो और कुछ नहीं आर माइनस वन वा पद मतलब क्या एन सी आर माइनस टू और आर वा पद मतलब कि एन सी आर माइनस वन दिस इज इक्वल्स टू 1:3 ये आपसे वो कह रहा है एक तरह से अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए बच्चों तो इसको बना देंगे हम फैक्टोरियल एन अपॉन में फैक्टोरियल एन माइनस आर और ये माइनस टू ये ब्रैकेट में आएगा लेकिन डिवाइड बाय और सॉरी मल्टीप्लाई बाय आर माइनस टू बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन नाउ मल्टीप्लाई ये ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर होगा तो इट्स अ फैक्टोरियल आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस वन ऐसे एंड डिवाइड बाय फैक्टोरियल एन इज इक्वल्स टू 1:3 ये फैक्टोरियल से फैक्टोरियल एन कैंसिल हो जाएगा बच्चों ठीक है ना और हमारे पास में हमें क्या मिल जाएगा ये हमें मिल जाएगा फैक्टोरियल एन आर माइनस वन ये है आर माइनस टू इन दोनों को बराबर बनाने के लिए ये बड़ा है तो इसमें से एक कम कर देते हैं तो r माइनस वन को बाहर निकाल लेते हैं तो फैक्टोरियल के अंदर बचेगा r माइनस टू क्योंकि आपको पता है कि n फैक्टोरियल को हम n माइनस सॉरी इट्स अ n फैक्टोरियल n माइनस वन यानी कि n को बाहर निकालोगे तो अंदर एक कम हो जाता है तो अगर आप यहां से r माइनस वन को बाहर निकालोगे तो एक और कम होगा तो ये r माइनस वन और एक और माइनस वन तो ये r माइनस टू हो जाएगा सिमिलरली ये फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस वन बन गया तो इसको एज इट इज रहने दो एन माइनस आर प्लस वन डिवाइड बाय अब जरा ध्यान देना कि ये एन माइनस आर प्लस टू बनेगा हम इसे बनाएंगे प्लस वन तो उसके प्लस वन प्लस टू को प्लस वन बनाने के लिए एक कम करना पड़ेगा तो एक कम कर दो यानी कि एन माइनस आर ये जो है लिखा हुआ है ना ये जो लिखा हुआ है एन माइनस आर प्लस टू इसको पूरे के पूरे को बाहर निकाल दो तो n माइनस आर प्लस टू को जब बाहर निकालोगे तो अंदर n माइनस आर प्लस टू माइनस वन बन जाएगा तो ये बेसिकली बन जाएगा फिर n माइनस आर प्लस वन तो इट्स n माइनस आर प्लस टू को जब बाहर निकाला तो अंदर बन गया n माइनस आर प्लस वन ठीक है ना n माइनस आर प्लस वन और ये फैक्टोरियल r माइनस टू एज इट इज एंड दिस इज इक्वल्स टू 1:3 अब देखो ये इससे कट गया ये इससे कट गया और आपके पास r माइनस वन अपॉन एक काम करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये 3r माइनस 3 इज इक्वल्स टू n n माइनस आर प्लस टू राइट अब इन सबको उधर लेके जाओ तो दिस इज इक्वल्स टू तो दिस इज इक्वल्स टू एक काम करते हैं इनको इधर लेकर आते हैं तो ये इधर आएगा तो ये बन जाएगा 4r माइनस n और ये 3 उधर जाएगा तो 2 प्लस 3 ये बन जाएगा 5 इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर टू सॉरी वन नाम दिस इज वन तो एक एक्सप्रेशन बन गई आर और एन के टर्म्स में 4r माइनस एन इज इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट्स नाउ अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो ये तो अभी हमने किस किस का रेशो लिया था बच्चों ये तो हमने रेशो लिया था टी आर माइनस वन अपॉन टी आर का अब इन दोनों का लेते हैं तो अगेन क्या कि टी आर अपॉन टी आर प्लस वन इनका रेशियो है 3:5 अब इनके कोफिशियंट मैं यहाँ पे कॉफी भी लिख देता हूँ है ना वरना आप हिंदी मीडियम वाले गुणांक लिखना है ना कोफिशियंट ये इस तरह से है ना तो टी आर का जो कोफिशियंट है वो तो अभी अब लोग ये हम लोगों ने देखा इट्स एन सी आर माइनस वन तो इट्स NCR माइनस वन और इसका है NCR एंड दिस इज इक्वल्स टू 3:5 नाउ NCR माइनस वन को फिर से हम लिखेंगे बच्चों तो इसको हम लोग लिख देंगे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r माइनस वन और फैक्टोरियल इट्स n माइनस आर ये प्लस वन बन जाएगा बच्चों मल्टीप्लाई ये ऊपर का नीचे कर देते हैं तो ये फैक्टोरियल r ये फैक्टोरियल n माइनस आर अपॉन फैक्टोरियल n इज इक्वल्स टू 3/5 ये और ये कैंसिल अब ये बड़ा नंबर है r और एक r माइनस वन है
इसमें से r बाहर निकालोगे तो फैक्टोरियल के अंदर बचेगा r माइनस वन, ये r माइनस वन। उसी तरह n माइनस आर को अगर बाहर निकाल लोगे तो अंदर बचेगा n माइनस आर माइनस वन। ठीक है, मैं यहां पे कुछ गड़बड़ कर गया, इसको नहीं निकालना है बाहर, है ना, क्योंकि ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो इसमें से बाहर निकालेंगे और इसको n माइनस आर बना देंगे। ठीक है, तो ये तो ठीक है, इसको एज इट इज रहने दो बच्चों, एन माइनस आर डिवाइड बाय ये r माइनस वन को भी एज इट इज रहने दो। अब इसमें से आप n माइनस आर प्लस वन बाहर निकालो तो अंदर एक माइनस वन आएगा जो इस प्लस वन को काट देगा, तो अंदर बचेगा केवल फैक्टोरियल n माइनस आर। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 3/5, तो देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, दिस इज n माइनस आर से n माइनस वन, r माइनस वन से r माइनस वन कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा 5r इज इक्वल्स टू, ये बनेगा 3n माइनस 3r n प्लस 3, है ना, तीन का मल्टीप्लाई। एक काम करो, n और r को इधर लेकर आओ, तो ये 3r और ये 5r, ये बन जाएगा 8r माइनस 3n इज इक्वल्स टू ये केवल 3 यहां पर। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो ये आ गई बच्चों आपके पास इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, और यहां पर अब आप इसको सॉल्व करेंगे, यानी 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। तो मैं यहां पर आपको सॉल्व करता हूं बच्चों 1 और 2 को। तो सॉल्विंग 1 एंड 2, ठीक है ना, तो 1 और 2 को बच्चों जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये लिखा है 4r, ये लिखा है 8r। एक काम करते हैं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8r माइनस 3n इज इक्वल्स टू 3, राइट, एंड इसमें जब 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 8r माइनस 2n इज इक्वल्स टू 10, है ना। अब इनको माइनस कर दो तो चिन्ह बदल जाएंगे नीचे वाले के। देखो सॉल्व करना है तो आप अपने हिसाब से सॉल्व करो, कैसे करना है ये आपको पता है, आप 10th क्लास में कर चुके हो, है ना, दो वेरिएबल वाले जो लीनियर इक्वेशन है उनको सॉल्व करना, तो उसमें हम लोग ये एलिमिनेशन मैथड यानी विलोपन विधि अपना रहे हैं। तो ये 8r से 8r कैंसिल, ये 3n में से ये 2n माइनस होगा, तो आपको बचेगा यहाँ पे माइनस का n, और 3 में से माइनस 10 जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 7, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो n की वैल्यू आ जाएगी 7। और जैसे ही n की वैल्यू 7 आएगी और n की वैल्यू को आप यहाँ पे रख दोगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 4r माइनस 7 इज इक्वल्स टू 5। तो ये 4r, ये 7 उधर जाएगा, तो 4r इज इक्वल्स टू बन जाएगा कितना बच्चों, 12, और यहां से r बराबर आ जाएगा 3। तो बच्चों n की वैल्यू आ रही है 7 और r की वैल्यू आ रही है 3, और बेसिकली आपको यही निकालना था, n और r निकालना था। तो n इज इक्वल्स टू 7 और r इज इक्वल्स टू 3, तो आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं अपनी आंसर की से पीछे। तो बेसिकली बच्चों अपने को करना था जो वो आपके समझ में आना चाहिए, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है बच्चों कि उसने हमसे पूछा है कोफिशियंट, सॉरी उसने हमसे कहा है कोफिशियंट्स का रेशो ये है, किसके टर्म्स में कोफिशियंट का, तो जो कोफिशियंट होता है वो एनसीआर यानी वो एक्स वाले टर्म को हटाने के बाद, वेरिएबल वाले टर्म को हटाने के बाद जो एनसीआर बचता है वो हमारा कोफिशियंट होता है। तो जब आप उनका रेशो लेंगे तो वो 1:3 और 5:3, आपने पहले इन दोनों का लिया, ठीक है ना, तो वो 1:3, और फिर बाद में इन दोनों का लिया तो वो 3:5, उसका आपने यूज करा, उन रेशोस को आपने लिया सॉल्व किया तो आपके पास में दो इक्वेशंस बनी, उन दोनों इक्वेशंस को आपने फाइनली सॉल्व किया तो आपके पास n और r की वैल्यू आ गई है बच्चों। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर जाते हैं। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कहता है प्रूव दैट द कोफिशियंट ऑफ x टू द पावर n ऑफ x टू द पावर n इन एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x रेस टू द पावर 2n इज ट्वाइस द कोफिशियंट ऑफ x रेस टू द पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x रेस टू द पावर 2n माइनस 1। तो जरा ध्यान देना, हमको दो टर्म्स दिए हैं उसने, एक दिया है 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर 2n, है ना, गिवन ये हमको दिया है, और इसमें हमको फाइंड करना है
कोफिशियंट ऑफ एक्स टू द पावर एन, राइट, ये कोफिशियंट ऑफ एक्स टू द पावर एन इसमें, और एक दिया है वन प्लस एक्स रेस टू द पावर टू एन माइनस वन, राइट, टू एन माइनस वन, और इसमें भी हमें एक्स टू द पावर एन का कोफिशियंट फाइंड करना है, ठीक है। लेकिन वो कोफिशियंट फाइंड करने के बाद हमें ये बताना है कि यस इज ट्वाइस, कि जो यहां से कोफिशियंट निकलेगा वो इस कोफिशियंट से दोगुना होगा, राइट, इससे दोगुना होगा। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब हम सबसे पहले निकालेंगे आर प्लस वन टर्म इन व्हाट, इन वन प्लस एक्स रेस्ट टू द पावर टू एन। तो हम इसका पहले आर प्लस वन टर्म निकालेंगे, तो वो हमें मिलेगा टी आर प्लस वन इज इक्वल्स टू एन सी आर एंड वन रेस्ट टू द पावर, सॉरी यहां पर एन की जगह पर आएगा टू एन, राइट, टू एन सी आर एंड वन रेस्ट टू द पावर टू एन माइनस आर और एक्स रेस्ट टू द पावर आर। तो दिस इज इक्वल्स टू टू एन सी आर एंड एक्स रेस्ट टू द पावर आर, ठीक है ना। तो अब जरा ध्यान देना कि यहां पर, सॉरी यहां पर आर है, तो लुक एट दैट कोफिशियंट ऑफ एक्स टू द पावर एन। तो जरा ध्यान देना, अगर यहां पर x की पावर n बनाना है तो r की जगह n लिखना पड़ेगा, तो कोफिशियंट ऑफ x टू द पावर n क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 2n cn, सिंपल, 2n cn ये आ जाएगा अपने पास में, सिंपल। नाउ अब देखो, ये एक चीज आ गई अपने पास में, किसका कोफिशियंट आ गया, ये x टू द पावर n, लेकिन किस में, 1 प्लस x रेस्ट टू द पावर 2n में। अगेन अगेन आर प्लस वन टर्म इन वन प्लस एक्स रेस टू दी पावर टू एन माइनस वन, तो इसमें आर प्लस वन पद वा क्या, आर प्लस वन वा पद क्या होगा, दिस इज इक्वल्स टू टू एन माइनस वन सी आर वन रेस टू दी पावर टू एन माइनस वन माइनस आर एंड एक्स रेस टू दी पावर आर। तो लुक एट दैट, तो ये तो हो गया बच्चों वन, तो इट इज टू एन माइनस वन सी आर एंड एक्स रेस टू द पावर आर। अब अगर मैं पूछूं कि इस पर्टिकुलर टर्म में कोफिशियंट ऑफ एक्स रेस टू द पावर एन, तो एक्स रेस टू द पावर एन क्या होगा कोफिशियंट, दोनों में एक्स रेस टू द पावर एन के कोफिशियंट निकालने थे, तो यहां पर एक्स रेस टू द पावर एन का कोफिशियंट बनाने के लिए आपको आर की जगह पर एन लिखना पड़ेगा, तो इट इज 2n minus 1 cn। It means that बच्चों कि इस expansion में, ये इस expansion में x की power n का जो coefficient है वो है ये, और इस expansion में x की power n का जो coefficient है वो है 2n cn। अब हमें ये बताना है कि ये जो है वो इसका दोगुना है, तो इट्स वेरी सिंपल, एक काम करते हैं, लुक एट दैट, आप इसको नाम दे दीजिए 2। नाउ 2n cn इसकी वैल्यू होगी फैक्टोरियल 2n अपॉन में फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल 2n माइनस n, तो दिस इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल 2n डिवाइड बाय फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n, ये सिंपल, ये आपके पास में इतनी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। एंड नाउ लुक एट दैट, इसको देखें, अब इसको देखिएगा बच्चों, है ना, 2n माइनस 1 cn दिस इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल 2n माइनस 1 अपॉन में फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल 2n माइनस 1 एंड माइनस n, ठीक है, दिस वन। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि ये है 2n माइनस n, इट मींस इट इज 2n माइनस 1 अपॉन में फैक्टोरियल n और ये बन जाएगा n माइनस 1। नाउ लुक, हमें इसको दोगुना बताना है, इसका
तो अगर हम यहां से 2n बाहर निकाल लें बच्चों, तो अंदर बचेगा 2n माइनस 1 और ये n ठीक है। इसमें से एक काम करो, इस n को बाहर निकाल लो, तो फैक्टोरियल n तो ठीक है, n फैक्टोरियल n माइनस 1 बच जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, एक काम करता हूं कि मैं इसको यहां कर देता हूं, ठीक है। ये तो आपने निकाल लिया, अब इसको जरा एक बार और देख लीजिए कि 2n cn is equals to ये फैक्टोरियल 2n अपॉन में फैक्टोरियल n था, इसमें से जब हम 2n कॉमन निकालेंगे मतलब बाहर निकाल लेंगे तो फैक्टोरियल में बचेगा 2n माइनस 1 अपॉन में इस n को बाहर निकालेंगे तो फैक्टोरियल में n माइनस 1 और ये फैक्टोरियल में n एज इट इज। ये n से n कट गया और आपके पास में आ गया है 2 इंटू फैक्टोरियल 2n माइनस 1 अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल n। अब जरा ध्यान से देखिए कि ये जो कोफिशियंट है उसकी वैल्यू ये आई है और ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू 2, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 2n माइनस 1 सी एन। ये देखिए इसका, ये देखिए ये जो वैल्यू है ये इस वैल्यू के बराबर आ गई ना, क्योंकि इसकी वैल्यू ये है, राइट। तो 2n cn is equals to twice of 2n minus 1 cn। ये किसका कोफिशियंट है, 1 plus x raised to the power 2n minus 1 में x की पावर n का, और ये किसका कोफिशियंट है, ये कोफिशियंट है x 1 plus x की पावर 2n में x की पावर n का। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोफिशियंट इस कोफिशियंट का दुगना है, 2 multiply by this one। तो यानी कि कोफिशियंट ऑफ x टू द पावर n इन 1 प्लस x रेस्ट टू द पावर 2n इज इक्वल्स टू 2 इनटू कोफिशियंट ऑफ x टू द पावर n इन 1 प्लस x रेस्ट टू द पावर 2n माइनस 1। यही आपको प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में, ठीक। तो हमने क्या किया, दोनों ही एक्सपेंशन में पहले x की पावर n के कोफिशियंट निकाले, उनको सॉल्व करके देखा और दोनों में रिलेशनशिप बना दिया, तो हमने देखा कि एक दूसरे का दोगुना आ गया है और यही हमको प्रूफ करना था। तो ये प्रश्न भी बच्चों, प्रश्न भी यहां पर कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ मूव टू द लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। लास्ट क्वेश्चन में हमसे वो कह रहा है, फाइंड अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m फॉर विच द कोफिशियंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सपेंशन 1 प्लस x रेस टू द पावर m इज 6, ठीक। इट मींस दैट वो हमसे कह रहा है कि भैया 1 प्लस x की पावर m, 1 प्लस x की पावर m का आप एक्सपेंशन कीजिए, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12, एक्सपेंशन कीजिए और उसमें x की पावर 2 का जो कोफिशियंट है, जो कोफिशियंट है वो 2 हो जाए, वो 2 आना चाहिए। आई रिपीट स्टूडेंट, हमें इसका एक्सपेंशन करना है और उसमें x की पावर 2 का जो कोफिशियंट है वो 2 होना चाहिए, उसके लिए m की वैल्यू क्या होगी ये हमें फाइंड करना है, यानी m की वैल्यू फाइंड करना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका जनरल टर्म निकालते हैं, यानी कि r प्लस 1 टर्म, तो दिस इज इक्वल्स टू m c r, इट्स 1 रेस्ट टू द पावर m माइनस r एंड x रेस्ट टू द पावर r, तो दिस इज इक्वल्स टू m c r एंड x रेस्ट टू द पावर r। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस एक्सपेंशन में कोफिशियंट ऑफ x टू द पावर 2 क्या होगा, तो यहां पर x की पावर 2 बनाने के लिए आपको r की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 2। तो इसका मतलब यह हुआ कि कोफिशियंट क्या होगा, एम सी टू, कितना होगा, एम सी टू। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि इस एम सी टू की वैल्यू वो कह रहा है कि अगर 6 हो तो m की वैल्यू क्या होगी। नाउ नाउ गिवन कि एम सी टू इज इक्वल टू 6, तो अब मुझे बताइए कि इसकी वैल्यू 6 हो उसके लिए यहां पर m की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो इट्स क्वाइट सिंपल, आप इसको लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं कितना, m m माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1 एंड दिस इज इक्वल टू 6। आपको पता है सिंपल, 2 अगर नीचे है तो आपको इससे घटते हुए 2 नंबर्स और फिर 2 इंटू 1 नीचे और ये 6।
अब नाउ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एम स्क्वायर माइनस एम, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 12 हो जाएगा, और इधर आके ये माइनस का 12 हो जाएगा। अगर आप इसके फैक्टराइज करें बच्चों इसे, तो इसके फैक्टर्स बनेंगे m माइनस 4 और m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि यही फैक्टर्स बनने चाहिए इसके, ठीक है ना, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। ये 12 हो जाएगा, ये ठीक है, ये बिल्कुल सही है। तो मतलब m इज इक्वल टू 4 और माइनस 3, माइनस 3 तो लिए ही नहीं जा सकता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि m इज इक्वल टू 4 आएगा बच्चों, ठीक है ना। ये इसको जब आप सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ये वाली इक्वेशन को, तो आपके पास m की वैल्यू 4 आएगी। और आप चेक भी कर सकते हैं कि 4 है, और आप चाहो तो क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि 4C2 बराबर 4, 3 अपॉन 2 into 1, और ये कैंसिल, ये 2 और ये 6 वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की पावर 2 का जो कोफिशियंट है उसकी वैल्यू अगर 6 है तो उसके लिए m को कितना होना पड़ेगा, 4 होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर ये प्रश्न भी समाप्त हुआ और m की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से बच्चों हमने ये एक्सरसाइज भी यहां पर फिनिश करी। मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि आप लोगों को एग्जांपल्स के क्वेश्चन करना है। हिंदी मीडियम के बच्चे क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय भाषा का प्रयोग जरूर करें, जैसे ये गुणा करने पर इस समीकरण से, उस समीकरण से, आप अपनी मर्जी से भी समीकरणों को नाम दे सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। जब आप एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे, उनको समझेंगे, तो आप देखेंगे कि एग्जाम्पल्स में उसने भाषा का प्रयोग कैसे किया है, उसी भाषा का प्रयोग आपको भी प्रश्नों को हल करते समय करना है। क्योंकि कई बार मैंने भाषा का प्रयोग कम किया है, लेकिन मुंह से जो बोला है वो आपको लिखना चाहिए, ये आपकी प्रैक्टिस में होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक बच्चों। तो ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम के दोनों बच्चे ध्यान रखें, भाषा का प्रयोग करना है, केवल सवाल हल करना और उत्तर निकालना सही नहीं होता है, ओके। और उस पर पूरे मार्क्स मिलें इसका कि कोई गारंटी नहीं है, इसलिए आपको पूरा लिख लिख कर हूबहू जैसे एग्जांपल्स में आपको समझा के करवाया है वैसे ही आपको करना है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर बच्चों ये एक्सरसाइज मेरी ओर से फिनिश हुई, हम जल्दी नेक्स्ट चैप्टर में फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। अपने उन मित्रों को इन वीडियोस के बारे में जरूर बताइए जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पास पैसे नहीं है, ओके। क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम के उन गरीब बच्चों तक इस शिक्षा को पहुंचाना है जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ओके, राइट। तो मातृभाषा में उनके लिए ये वीडियो हमारी ओर से केवल एक सम्मान स्वरूप सहायता है,